हेलो दोस्तों, चलिए आज जो है कि हम लोग मिशन यूपीएससी 2021 के अंतर्गत आज ज्योग्राफी क्वेश्चन पीटी का होगा, जो कि ये 2 साल का क्वेश्चन है, 1999 और 2000 ईस्वी का। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी 95 से लेके 99-98 तक का क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जाइए उसको पहले देखिए। ठीक है, और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इससे लगभग सभी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मालूम चल जाता है। उसके बाद जो है कि आने वाले एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का पैटर्न मालूम चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, चक्रवात के दिए गए क्षेत्र में ए बी सी डी से अंकित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में भारी मूसलाधार अल्पकालिक त्वरित झंझायुक्त वर्षा होती है। ठीक है, तो देखिए ये आपका चक्रवात का दिया गया है फिगर, तो अब इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा मूसलाधार भारी वर्षा होना चाहिए लेकिन अल्पकालिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबका पॉइंट दिया गया ए बी सी डी, तो क्या इसका आंसर होगा? जी हाँ, देखिए ये जो है कि जो बी है यह जो है कि यहाँ पे बी आंसर होगा। क्यों आंसर होगा बी, चलिए उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ए और डी, ए और डी जो है ये दो चक्रवात क्षेत्र के मध्य स्थित हैं। ठीक है, ये जो बी है इस दोनों के मध्य में स्थित है। ठीक है, और ए, यहाँ देखिए ए और डी ये दोनों जो है गतिशील वायु के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ये दोनों गतिशील वायु है। ठीक है ना, जिसके कारण और जो सी है ये न्यून दाब क्षेत्र पर स्थित है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस जगह पे जो होगा अल्पकालिक वर्षा होगा लेकिन वह बहुत ही क्या बोलते हैं भारी मूसलाधार के साथ होगा। यहाँ देखिए फिर से समझिए कि ए और डी ये दोनों क्या है, गतिशील वायु है और ये लो प्रेशर है। ठीक है, ये सी लो प्रेशर है और बी जो है इस दोनों के मध्य के बीच में दिखाया गया है, ए और डी के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा बहुत ही कम समय के लिए वर्षा होगा लेकिन जो वर्षा होगा वो बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र में से महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म दिखाया गया है, बेंगुला और फॉकलैंड, केनारी और हम्बोल्ट, अग्लुहास और गिनी, बेंगुला और गिनी। ठीक है, बताइए दोस्तों। ये देखिए जैसा कि आपको मालूम है ये दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट पे दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी तट पर दिखाया गया है, ये इधर से आ रहा है इधर से और फिर इधर से ही आ रहा है, तो जब इसका जो पूरा डिटेल क्लास जो है कि हम वो यूपीएससी का ज्योग्राफी का जब ऑप्शनल क्लास लेंगे उसमें ये बता देंगे, इसका नाम आपको याद करना होगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसका नाम है डी बेंगुला और गिनी। ठीक है, गिनी ये हो गया आपका, अब बेंगुला ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना होगा जो कि ये है क्या, पश्चिमी तट के किनारे उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर चलने वाली धारा बेंगुला धारा, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर चलने वाला धारा क्या हो गया, बेंगुला धारा हो गया। ठीक है, जिसकी प्रकृति कैसा है, ठंडी जल धारा है, ये बेंगुला कैसा है, ठंडी जल धारा है, और ऊपर से जो गिनी वाला आता है वह गिनी तट की ओर से चलने वाली गिनी धारा, जिसका प्रकृति कैसा है, ये गर्म है, तो इसका सही आंसर होगा डी बेंगलुरा और गिनी तट। देखिए इसका ओशनोग्राफी जब पढ़ाएंगे
उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ, बस कुछ दिन के बाद लगभग 3 से 4 दिन के बाद उसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का, तो उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ इसका बताया जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? जेम्स जींस, एच अल्वन, एच हाइलेन, ओ सिंट। जी हाँ, ये थ्योरेटिकल बेस्ड है और ये आपको याद रखना होगा, इसका जो आंसर है वो ओम बिस्टो, ओम सिस्टो होगा, जो क्या बोला था, पृथ्वी का जो उत्पत्ति होता है वह गैसों से होता है। ठीक है, जेम्स जीन क्या बताया था, देखिए यहाँ पे और भी नाम दिया हुआ है, जेम्स जीन भी बताया था कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति होता है वह ज्वारीय विघटन से होता है, ज्वारीय विघटन से होता है। और हाइल जो है, ये हाइल क्या बताया था कि ये नवतारा परिकल्पना प्रस्तुत किया था, नवतारा होता है ना निहारिका वगैरह सब, तो उससे ये बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? विटामिन्स, लिग्नेटाइट, एंथ्रेसाइट, पीट्स। तो देखिए ये सब कोयला का जो है टाइप हुआ, और कोल का 4 टाइप्स होता है। ठीक है, कोल का 4 टाइप्स होता है, और ये टाइप जो होता है वो बेस्ड है ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का अमाउंट जिसमें जितना ज़्यादा होगा वह बेस्ड कोयला होगा। तो देखिए सबसे, हालांकि देखिए कोल को जो है सेपरेट करने के लिए एक ही प्रोसेस है, ये चारों जो टाइप है कोल का वो एक ही मेथड से बनता है, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड, उसमें क्या होता है कि कोल का जो अवशिष्ट जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं एक कंटेनर में यूज करके यहाँ पे हीट करते हैं, और डिफरेंट टेम्परेचर आने के बाद अपने आप ये कोल का डिफरेंट फॉर्म्स ऑब्टेन होता है, जो सबसे लो क्वालिटी का, इट मीन सबसे लो क्वालिटी का जिसमें कि लो अमाउंट में कार्बन होता है उसको बोलते हैं पीट्स, और जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोल्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज एंथ्रासाइट कोल। इसमें क्या होता है, सबसे अधिक अमाउंट में अबाउट 80-95% कोल्स आर प्रेजेंट इन एंथ्रासाइट्स। ठीक है, और जो सबसे लो निम्न कोयला होता है उसको लोग बोलते हैं पीट्स, जिसमें कि 45-55% ऑफ कोल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मानचित्र बेस है, ये फैक्ट भी आएगा तो बनेगा, दिए गए मानचित्र पे 1, 2, 3, 4 से चिन्हित भौतिक क्षेत्र की क्रमशः क्या है? तो यहाँ पे फिजिकल से बताना है कि इसमें है क्या, तो आपको जैसा कि ये मालूम चल रहा है कि ये क्या है, ये पोर्शन आपका एंडिज हो गया, एक नंबर एंडिज होगा, यानी कि आंसर या तो मेरा ए होगा या फिर 2 होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। अब देखिए ये एंडिज हो गया, अब उसके बाद क्या है, 2 जो होता है ये ब्राज़ीलियन शील्ड हो गया, ये ब्राज़ीलियन शील्ड हो गया, यानी कि मेरा एक आंसर है। ये लाके देखिए मैप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको मालूम चलेगा, पर डे मैप को देखिए, पर डे सिर्फ देखना है, अपने आप इसको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है? मुलेटा, मेस्टिजो, फीजी, माओ। जी हाँ, इसका सही आंसर है मेस्टिजो। ठीक है, इसमें क्या है कि लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन का ब्लड मिक्स ब्लड है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मैच द फॉलोइंग है, तो माउंट एटना आपको पता है ये ज्वालामुखी है कहाँ पे, इटली में। ठीक है, ताल जो होता है ये फिलीपींस में। ठीक है, और माउंट रेनियर यूएसए में, माउंट रेनियर जो होता है ये कहाँ पे है, यूएसए में।
तो इस तरह से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ए का फोर तीन आ गया, लेकिन दोनों ख़त्म हो गए पहले ही। बी का वन देखिए यहाँ पे सिर्फ बी में दिया हो, इसका मतलब बी आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्लियर है बी का वन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ज्वार से दूसरे ज्वार आने में 24 घंटे 23 मिनट का समय लगता है। अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। रेखाचित्र में दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में ज्वार समुद्र की ऊंचाई अधिकतम होगी। अब अधिकतम के लिए एक ही कंडीशन है, कब, जब सन और मून क्या होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में। जब सन, यहाँ पे सन आपका दिया हुआ है, और मून जो है कि मून इस जगह पे दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम जो ज्वार आएगा कब आएगा, जब सन और मून दोनों एक ही साइड में आएगा, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा आएगा। और सबसे वीक क्या होगा, ये पोर्शन वीक हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन में जो है किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आएगा ज्वार, तो M4 में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि सन और सूर्य दोनों क्या है, पृथ्वी के एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों का फोर्स क्या हो गया, कंबाइंड हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम जब होगा तो ये यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स भी अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे M4D आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, भारत में उपयुक्त परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुत भूमि क्षेत्र है 25%, 30%, 43%, 53%। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 33%। मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए मिनिमम जो होना चाहिए वह 33% होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेकिन अभी 33 है ना, अभी अराउंड 21 के आसपास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री अभ्यारण्य जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुआ, अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया है सुंदरवन कक्ष में, चिल्का झील में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में। ठीक है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉरी, कच्छ खाड़ी थी, लक्षद्वीप समूह मिस्टेक हो गई, ये इसका आंसर होगा लक्षद्वीप समूह में होगा। ठीक है, यहाँ पे 36 द्वीप है, लक्षद्वीप में कितना है, 36 आइलैंड्स हैं। ठीक है, और ये अरब सागर में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आपका नीचे राज्यों में जनजातियों में युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ क्वेश्चन है। आसाम में मीरी है, नागालैंड में पयंका है, अरुणाचल में आपातानी है, मध्य प्रदेश में लामडा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। देखिए जनजातीय सबसे भी, ट्राइब सबसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यही हुआ ना कि प्रीवियस क्वेश्चन देखने से मालूम चलता है कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और नहीं है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। तो ये तो क्वेश्चन है आपका मैप बेस्ड, और ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अब क्या हो गया, ये विखंडन हो गया, 370 खत्म हो गया, इसलिए इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये चलिए ठीक है। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह में 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिमला का स्थानीय समय क्या होगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे 9:30 पूर्वाह्न, 10:38 पूर्वाह्न, 10:22 पूर्वाह्न, 10:09 पूर्वाह्न। देखिए होता क्या है कि जैसा कि आपको मालूम है कि भारत का अगर विस्तार जानते होंगे
तो एस से एन, साउथ से नॉर्थ जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट है, नॉर्थ साउथ है। और वेस्ट से ईस्ट जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन कर रहा है ये आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि इसका ध्यान नहीं रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेन क्या है हम लोग का, भारतीय मानक समय, इसका मतलब IST कितना है इंडिया का, 82 साढ़े 82 डिग्री है, ये आपको पता ही है, जो कि इलाहाबाद नैनी से पास करता है। तो इंडिया का IST कितना है, 82.5 डिग्री को माना गया है। अब यहाँ कह रहा है कि 92 डिग्री पूर्व, इसका मतलब क्या हो गया, इससे हमको ध्यान दीजिएगा, इससे हमको पूर्व आना है और कितना पे आना है, 92 डिग्री ईस्ट में आना है। तो इस दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितना डिग्री का होता है, जैसे हो गया 0 10 डिग्री का हो गया, लगभग 10 डिग्री का हो गया ना, 10 पॉइंट कैसे होगा, 10.5, ठीक है। तो अब 10.5 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस है, तो होता है क्या है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो 10 डिग्री में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 10 डिग्री 10 × 40, ठीक है। हालांकि 10 यहाँ पे नहीं होगा, देखिए यहाँ पे इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 82.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.5 आएगा, 9.5, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना का रहा है। यहाँ पे जो है कि दोनों का अगर डिफरेंस देखिएगा, 82.5 से 92 डिग्री में देखिएगा तो डिफरेंस कितना का आएगा, 9.5 का आएगा, ठीक है, 9.5 का आएगा। तो अब देखिए 9.5 डिग्री का हो गया। तो होता है क्या है कि 1 डिग्री में होता है 4 मिनट्स, 1 डिग्री में 4 मिनट आएगा, तो यहाँ पर कितना डिग्री दिया है, 9 मिनट्स, इसका मतलब 9 डिग्री दिया हुआ है, तो 4 × 9.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 36 36 37 38 38 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 बज के 38 मिनट, 10 बज के 38 मिनट भी सही है आपका। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपको आता होगा तो इस तरह से देखिए, 24 घंटा में पृथ्वी जो है 360 डिग्री 360 डिग्री एक चक्कर लगाता है, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 360 बाय 24, तो हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 6 से देते हैं तो 6 × 24 6 × 36 60 15, 1 घंटा में 15 मिनट हो गया, 1 घंटा में 15 मिनट। तो अब इसको जो है कि यहाँ ध्यान दीजिए, 1 आवर में हो गया 15 मिनट, तो हम लोग 1 मिनट का निकाल सकते हैं, 1 मिनट का कितना होगा, इसको निकाल सकते हैं, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हो जाएगा 15 × 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल की अत्यधिक संभावित रावा अपतट खंड अवस्थित है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में, कावेरी द्रोणी में, महानंदा द्रोणी में, पेन्नार द्रोणी में। जी हाँ, इसका सही आंसर है, जो तेल अत्यधिक जो है ये है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया है, सिंपल है ये, जैविक होगा, जिसमें कि हरा घास भूसा मतलब फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व में अभी भी चीनी तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है, ये तो आपका सही है।
चिली विश्व के विशालतम पेरिफेरी ताम्र निक्षेप में संपन्न है, ये विषय है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये स्टूडेंट जी करेंट वेस्ट है, नहीं नदी ध्रुव नहीं है, ये यूजलेस है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व में कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? सांटो पोलो, सैंटोस, रियो द जेनेरो, ब्यूनस आयर्स। एकदम फेमस क्वेश्चन, ये सबको पता है। ठीक है, तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? सैंटोस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सैंटोस। यह ब्राज़ील का सैंटोस, ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। अब देखिए, रियो डी जेनेरो क्या चीज़ है? एक पर्यटक स्थल है जहाँ खेल होता है, ध्यान होगा। अब ब्यूनस आयर्स क्या है? ब्यूनस आयर्स में जो है कि मांस का जो है उत्पादन निर्यात में विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग करना है। खनिज तेल, खनिज तेल आपका वेनेजुएला में मिलता है, खनिज तेल वेनेजुएला में मिलता है। और तांबा, तांबा जो है कि वह मिलता है चिली में, और हालांकि इसको जाम्बिया दे दीजिए इसमें। देखिए, तांबा से रिलेटेड बीपीएससी में क्वेश्चन आ रही है, कई बार आया है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है तो यूपीएससी वाला ही देखेगा, बीपीएससी वाला भी देख सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन है कि ये जो है मिलाना है आपको कि जल संधि कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, दो जल को मिलाता है उसको दो जल संधि बोलते हैं, ये सब याद करना होगा, फैक्ट क्वेश्चन है। सुंडा कहाँ? हिंद महासागर में है। सुंडा जल संधि हिंद महासागर में है, इसका मतलब सी का वन। देखिए, सी का वन किस में है? ये ए और बी में है, तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी ये दोनों ख़त्म, 50-50 हो गया। सुंडा है हिंद महासागर में। अब उसके बाद क्या होता है, एलुसियन, एलुसियन जो होता है वह आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ए का टू दोनों बन रहा है प्रोबेबिलिटी। और कर्मेडेक जो होता है, कर्मेडेक है वो दक्षिण दक्षिण प्रशांत महासागर में, इसका मतलब टू का सी, ये सही आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब फैक्ट है, याद करना होगा, याद होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। हाँ, इसमें है भूतपूर्व यूगोस्लाविया के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोविया, यूगोस्लाविया। तो पूर्व से पश्चिम, इट मीन्स क्या हो गया, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट में पता है कि सबसे ज़्यादा ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि मैप आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया आपका, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ठीक है, तंजानिया और युगांडा के बीच कौन सा ऐसा झील है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? जी हाँ, तो इसका आंसर होगा विक्टोरिया झील होगा। देखिए, चार्ड झील जो होता है वह नाइजीरिया और चाड के बीच में बनता है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान के बगल में। मलावी झील जो होता है मलावी और मोजाम्बिक के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो चलिए देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी में बहुत आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद करना होगा। पर डे आप देखते रहिए, अपने आप ध्यान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तूफानी चलीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उत्तरी गोलार्ध के निवास में बात, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, ये जो अगर हम इसको देखते हैं मैप में, ये अगर मैप है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से 40 डिग्री ऊपर जाइएगा, 40 डिग्री नीचे आइएगा, तो जो नॉर्थ में नहीं, साउथ में, साउथ के 40 डिग्री पर जहाँ पर है, इसी जगह
इस साइड में ऐसे इसका ब्लोइंग होता है ए वाइंड का, और बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, तो इसी को बोलते हैं चालीसा। 50 पर रहेगा 50, 60 पर रहेगा 60 होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा पहला क्वेश्चन गलत है। देखिए तो एक गलत, दो गलत, तीसरा में क्या ऑप्शन है, तीसरा में भी एक है, यानी कि एक दो तीन गलत हो गया, दो आंसर सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, नई शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस याम्योत्तर मेरिडियन में दिखाई देता है। तो सिंपल ये होगा 92 डिग्री 39 30 मिनट। देखिए है क्या कि ये हो गया, तो अब यहाँ पे अर्थ जो होता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, और सन क्या है यहाँ पे है, तो स्वाभाविक है जो इंडिया का सबसे फर्स्ट पोर्शन आएगा वही जगह सबसे पहले लाइट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन वाला क्षेत्र है। ये तो सही है, गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। जी नहीं, ठीक है, तो आपका ए सही है, बी गलत है। चलिए अगला आंसर देखते हैं क्या है, मैप बेस्ड है ये भी। निम्नलिखित दिए गए मानचित्र में ABCD से चिन्हित बंदरगाहों को अवस्थित को उन बंदरगाहों के नामों से सुमेलित कीजिए, तथा बंदरगाहों के नामों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही चिन्ह लगाइए। देखिए अब यहाँ पे है क्या ए, यहाँ पे ए है जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पोरबंदर है और उसी के जस्ट नीचे, पोरबंदर के नीचे बोरवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कि ए में क्या हो जाएगा, गुजरात का ठीक है, ये गुजरात हो गया, गुजरात में बेरावल है, ए हो गया आपका बेरावल, और बी जो हो गया ये कर्नाटक का मंगलुरु क्षेत्र हो गया, बी कर्नाटक का मंगलुरु हो गया, ये तो फेमस है, सी में तूतीकोरिन, और डी काकीनाडा उड़ीसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है, कलकत्ता, कांडला, मुंबई, विशाखापत्तनम। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में है। जी हाँ, ये सही है आपका। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात नहीं, मूंगफली का है अरुणाचल प्रदेश AP। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में कृषि व्यर्थ भूमि प्रीतम क्षेत्र राजस्थान में है, वो तो सही है। भारत में मक्का की अधिकतम प्रति हेक्टेयर आंध्र प्रदेश में होता है, नहीं कर्नाटक में होता है। इसका मतलब सही कौन कौन सा है, ए सही है और थ्री सही है, इसका मतलब ए और सी, सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये करंट अफेयर है। हालांकि ये भी करंट अफेयर है कि इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे रहता है, जैसे एटलस साइकिल है तो एटलस साइकिल का कहाँ प्रोडक्शन होता है, और अर्थ भारत अर्थ मूवर्स ये कहाँ पे है। ठीक है, इसका बताते हैं लेकिन ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे है क्या कि एटलस साइकिल का निर्माण कहाँ पे होगा, हरियाणा में होगा। ठीक है, ए का हो जाएगा, सोनीपत हरियाणा। ठीक है, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड ये है बेंगलोर में, और उसके बाद जो है कि इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ये है कलोल में, और ये है नालको कंपनी भुवनेश्वर उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित मानचित्र में से 1, 2, 3, 4 और 5 में चिन्हित नगरों को इनमें अवस्थित संस्थानों के नाम से सम्मिलित कीजिए, और
संस्थानों के नामों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर लिखिए। कह रहा है यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया है, हिंट्स दिया है, इसके आधार पे आपको इस मैप में आपको नाम बताना है। जैसे कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? कोचीन में। कोचीन कहाँ पे है? इस जगह पे है। अगला है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा कहाँ हो गया? ये नीचे दो नंबर का हो गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? करनाल हरियाणा, एक नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, ये हैदराबाद में है, तो हैदराबाद फोर में हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको मिलाना है। पिछले दो दशक से उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियां की गहराई कम होगी। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, देखिए होता है क्या है कि प्लांटेशन एफोरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल वगैरह सब है वह जाके रिवर बेड में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे फ्लड आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से पुनः मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ भी रहा है। दिए गए मानचित्र में पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के ABCD से चिन्हित की विभिन्न बंदरगाहों उनके संबंधित नामों से सुमेलित कीजिए तथा बंदरगाहों की सूची के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो अब यहाँ पे ये है पांडिचेरी, तब बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ, ए जो होगा वो हो जाएगा माहे। ठीक है, बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कड़ेकल, सी जो हो जाएगा वो पांडिचेरी, और डी जो हो जाएगा वो यनम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है, उच्च ज्वार भाटा बड़े, ये सही है ऑप्शन आपका, उच्च ज्वार भाटा बड़े जलियानों बंदरगाहों में सुरक्षित प्रवेश करने निकालने योग्य बनता है, ये भी सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन सिलिंडेशन को रोकता है, ये भी सही है। कांटला और डाइवर हल्दिया इसको बोलते हैं, हर्बर ज्वारीय बंदरगाह, ये सही है, सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट बस लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो इसको शेयर कीजिए सभी जगह ताकि सभी को फ़ायदा हो। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन था 2000 तक का, तो ये क्वेश्चन जो है कि ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब है। धन्यवाद।